हरियाणा को श्रीमान मनोहर लाल खट्टर और भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार जातीय दंगों की आग में झोंका। लांबा साहब, आप और सब लोग वाकिफ हैं कि हरियाणा के अंदर 100 से अधिक लोग जातीय दंगों की आग में मारे गए, और जो 75 सालों में कभी नहीं हुआ, पहली बार हरियाणा में जातीय दंगे हुए। अब जब भाजपा जजप्पा को लोग सिरे से नकार चुके हैं, तो हरियाणा को धार्मिक दंगों की आग में सरकार प्रायोजित हिंसा के तहत झोंका जा रहा है। ये सरकार है या सर्कस, जिसके गृह मंत्री ये कहते हैं कि उनको डायरेक्टर जनरल पुलिस ने दंगों के बारे में बताया ही नहीं, उन्हें कोई जानकारी ही नहीं थी, और जिसके डिप्टी चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि उन्हें दंगों के बारे में सुबह ही मालूम था, उन्हें एक प्राइवेट आदमी ने बता दिया था। मैं पूछता हूं खट्टर साहब, आपकी सरकार में जब आप, आपके डिप्टी चीफ मिनिस्टर और गृह मंत्री ही एक दूसरे से बात नहीं करते, तो क्या ये नहीं दर्शाता कि एक सुनियोजित साजिश के तहत जिसका संरक्षण भाजपा जजपा को था, ने दिया था, उसके तहत नूह, मानेसर, बादशाहपुर, गुड़गांवा, पालेड़ा और दूसरे इलाकों के अंदर दंगे करवाए गए। अगर डिप्टी चीफ मिनिस्टर को ये बात सुबह 6 बजे मालूम थी तो दंगे रोके जा सकते थे, तो क्यों नहीं रोके गए? क्या ये दुष्यंत चौटाला की संदिग्ध भूमिका की ओर इशारा नहीं करता? और अगर LIU यानी इंटेलिजेंस यूनिट ने, जिन्होंने आपके समक्ष बताया है कि कई दिन पहले खट्टर साहब और उनकी सरकार को बता दिया था कि दंगे होने वाले हैं, तो रैपिड एक्शन फोर्स क्यों नहीं लगाई गई? नूह के SP को क्यों बदल दिया गया? नूह के SP को छुट्टी पर क्यों भेज दिया गया? उनकी जगह DGP, IG और दूसरी फोर्स को क्यों नहीं भेजा गया? पत्थर इकट्ठे क्यों होने दिए? रिलीजियस यात्रा, धार्मिक यात्रा में राइफल, पिस्तौल, भाले, गंडासे, लाठियां क्यों ले जाने दिए गए? केवल 50 कांस्टेबल ही क्यों लगाए गए? मोनू मानेसर को, जो कुख्यात हत्यारा है, उसको सोशल मीडिया पर भड़काऊ बयान देने की इजाजत किसने दी? उसके साथी वहां कैसे चले गए? इनमें से एक सवाल का जवाब भी श्रीमान मनोहर लाल खट्टर और उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर के पास नहीं। ये दर्शाता है कि ये सरकार प्रायोजित हिंसा थी, जो केवल और केवल चुनावी वोट बटोरने के लिए किया जा रहा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।